हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में हर हित स्टोर योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में करीब 5,000 स्टोर खोले जाएंगे। हर हित स्टोर योजना के जरिए हरियाणा सरकार का उद्देश्य युवाओं और महिलाओं को रोजगार देना है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के 70 अन्य स्टोर्स का भी शुभारंभ फरूखनगर से ही किया। हर हित स्टोर से गांव के लोगों को जरूरत की हर चीज गांव में ही उपलब्ध हो सकेगी और ग्रामीण अंचल में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड सभी जिलों में हर हित स्टोर खोल रही है। इसके लिए युवाओं से आवेदन मांगे गए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर हित रिटेल विस्तार परियोजना इस साल 2 अगस्त को शुरू की थी। परियोजना के अंतर्गत प्रदेश भर में लगभग 2,000 हर हित स्टोर खोलने की योजना है, जिससे प्रदेश के युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर मिलेंगे बल्कि उनमें उद्यमशीलता का जज्बा भी पैदा होगा। आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में 5,000 ऐसे स्टोर खोलने की योजना है। हरियाणा के इस हमारे कार्यकाल का बहुत विशेष दिन कि हमने जो रोजगार की बात शुरू की है कि 2025 तक कोई परिवार में बेरोजगार ना बचे, खास करके परिवार के एक सदस्य को तो अवश्य रोजगार मिले ताकि उस परिवार का रहन सहन गुजारा सब ठीक हो। ऐसे हमने जो भी कार्यक्रम शुरू किए हैं, पहला है कार्यक्रम हर हित स्टोर खोलने का, इसका आज शुभारंभ किया है। 71 हर हित स्टोर्स आज उनका उद्घाटन किया है। 71 की संख्या हम समझते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी का 71वां जयंती वर्ष ये चल रहा है, इसलिए आज 71 का किया है। कुल हमारा टारगेट है 5,000 हर हित स्टोर खोलने का, उस पर डिपार्टमेंट काम कर रहा है और बहुत जल्दी ये 5,000 पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ वीटा के भी 5,000 नहीं तो जो डिपार्टमेंट तय करेगा, लेकिन बड़ी संख्या में हम उनके भी स्टोर खोलेंगे गांव-गांव में, शहर-शहर में। उसमें जितने वीटा के पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, वो तो सब रखेंगे ही, वीटा के अलावा भी उसी प्रकार की और कंपनियों के भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ उसमें रखेंगे, ताकि लोगों को शुद्ध सर्टिफाइड गुणवत्ता परक ये सामान सब उपलब्ध हो। तो उसी का आज ये पहली कड़ी का एक कार्यक्रम हुआ है और जिन लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, खास करके जिनको एंटरप्रेन्योरशिप में अवसर मिला है, बहुत प्रसन्न है। एक स्टोर पर 2 से 3 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष भी बहुत रोजगार इसमें मिलने वाला है, चीज़ों के उत्पादन में, चीज़ों के वितरण में। जो वेयर हाउसिंग स्टोर है उसके अंदर भी लोग काम करेंगे। तो ऐसा एक ऑनलाइन सिस्टम से इस कार्यक्रम को शुरू करवाया है और एक जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके मुकाबले में ये हमारा कार्यक्रम सरकारी। वहीं इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए काम कर रही है और 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के जहन में जो भी बातें हैं उन्हें सुनने के लिए सरकार पहले से ही तैयार है। सरकार लगातार किसानों को यही बताना चाह रही है कि इन सभी कानूनों से किसानों को कितना फायदा होने वाला है। साथ ही अगर किसानों को कोई आपत्ति है तो वो सरकार के सामने उन्हें रख सकते हैं। सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। देखिए, ये उनका कथन है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का, किसी भी प्रकार से उस पर अपना आग्रह बढ़ाने का अपना अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसे विषय हैं कि जिनको लेकर के वो इतने 10-10 साल की योजनाएं बना रहे हैं। ये विषय केवल समझने समझाने का अंतर है। हम समझाने में लगे हैं, उनको जिस दिन ध्यान में आ जाएगा कि इनके क्या क्या लाभ हैं या उनके एतराज जो होंगे उनको दूर करने के लिए हमारा मन खुला है। जैसे ही बैठ के बातचीत होगी मामला खत्म होगा। वहीं प्रदूषण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एक गंभीर समस्या है और इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। पराली को जलाने से जो प्रदूषण होता था उस पर काफी हद तक सरकार ने नकेल कसी है। हर वर्ष इसमें कुछ न कुछ सुधार किए जा रहे हैं। इस बार जैसे हमारे हरियाणा में पराली को लेकर के हम बहुत गंभीरता से हमने काम किया है और बहुत जो उद्योग हैं
उनको पराली ले जाकर के उपयोग किया जाए एथनॉल बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। तो ऐसे जो पराली का उपयोग जहाँ जहाँ वहाँ बढ़ा रहे हैं। इस बार पराली पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम जलाने के अवसर आए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जला रहे हैं उनके ऊपर हम सख्ती भी कर रहे हैं, वेरीफाई करके उनके ऊपर चालान कर रहे हैं, जुर्माने लगा रहे हैं। हम कहते हैं कि आप केवल बेल्स बनाओ, बेल्स बना करके एग्रीगेटर का काम कुछ लोग करेंगे, उनकी भी आमदन हो जाएगी, किसान की भी आमदन हो जाएगी। किसान को 1,000 रुपया पर एकड़ हम भी पैसा देते हैं और खरीद करने के लिए कंपनियाँ बहुत आ गई हैं, बल्कि अब तो एक होड़ लग गई है, रेट भी उनको ज़्यादा मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जहाँ कहीं ये व्यवस्था बन गई वहाँ कोई पराली को जलाएगा। और बाकी चीज़ों पर भी एनजीटी की नज़र है और हम जो है प्रदूषण को बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे, ये हमारा वायदा है। आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से 71 हर हित स्टोर का उद्घाटन किया गया, जो कि 71 मिशन के अंतर्गत आता है। आपको बता दें, बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के उपलक्ष में ये 71 मिशन चलाया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।